हेलो एवरीवन, एसएसटी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। ज्योग्राफी का हमने दो चैप्टर कवर कर लिए हैं और ये हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर फर्स्ट है। हिस्ट्री कहते कैसे? अगर मैं आप सबसे पूछूं हिस्ट्री कहते कैसे हैं तो डेफिनेशन क्या होगी? हिस्ट्री जो होती है कि पास्ट टाइम में ऐसी ढेर सारे इवेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे इवेंट्स, अगर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा दे कि पहले ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ, फिर उसके बाद ये इवेंट हुआ, और उन सारे इवेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, उन्होंने क्या हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला, लोगों के लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाए, उन सारी चीज़ों के बारे में जब स्टडी करने लगते हैं उसको बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में पास्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे बैटल्स हुए, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हैं, बहुत सारे टेम्पल्स बने हैं, बहुत सारे मास्क बने हैं। उनको जब हम देखते हैं तो हमारे मन में तो क्वेश्चन होता होगा ना कि आखिर ये बनवाया किसने, क्यों बनवाया होगा। जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली में रेड फोर्ट है, किसी ने बनवाया होगा, वो क्यों बनवाया, उसकी आर्किटेक्चर स्टाइल इतनी क्यों है, उस टाइम तो इंजीनियरिंग होती नहीं थी। ऐसी ढेर सारी चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट होती है। क्लास सिक्स का चूंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडिया का जो बेसिकली हिस्ट्री है ना, इसको तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। हिस्ट्री जो होती है उसको जानने के लिए उसके एविडेंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं बेसिकली। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए कोई एविडेंस हमारे पास नहीं होता है। एंशियंट हिस्ट्री यानी हम लोगों को, जैसे कि हमारे सब मान लो कि जमीन के अंदर से कोई हमको बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह मिल गई, तो बिल्डिंग्स का हमने स्टडी किया, हिस्टोरियंस गए, उसको पता लगा कि बिल्डिंग क्या थी, कितने जमाने की थी, उसकी टेक्निक होती है रेडियोकार्बन डेटिंग बोलते हैं, उसके बाद उसकी टाइम का पता लगाते हैं, ठीक है, तो वो सारे उसके सिग्निफिकेंट को जानना, तो वो बात करते हैं, उसको बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। वो जब से यानी मान लो 8 से 10 हज़ार साल पहले का जो समय था, और कब तक, ये 300 400 ईस्वी तक का जो टाइम है इसको हम काउंट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जो क्लास सिक्स में पढ़ते हैं। जब क्लास 7 में आप प्रमोट होकर जाओगे तो उस टाइम की जो हिस्ट्री होगी उसका नाम चेंज है, उसको बोलते हैं मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री का मतलब इस्लाम धर्म है एक, जैसे हिंदू एक धर्म है, रिलीजन है, वैसे इस्लाम एक रिलीजन है। तो इस्लाम धर्म कन्वेंशन हुआ था लगभग 6th 7th सेंचुरी में, तो वो इंडिया में एंटर किया था 7th और 8th सेंचुरी के अराउंड में। तो उस टाइम से बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे कंट्री में आए, और उस टाइम से लेकर के लगभग 17th और 18th सेंचुरी तक वो इंडिया में रहते। तो उस टाइम की हिस्ट्री को बोलते हैं किस नाम से जानते हैं, मेडिवल हिस्ट्री, जो क्लास 7 पढ़ते हैं। जब क्लास 8 में आप जाओगे तो ये हिस्ट्री, अब जब हमारे वहाँ जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जिनको बोलते हैं, जिन्होंने हमको गुलाम बना के रखा था इतने सालों तक, वो इंडिया में रहे लगभग 350 सालों तक, तो उनका जो टाइम पीरियड था उसको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए? हिस्ट्री हमको पढ़ने से तीन चीज़ें फायदे होती है। पहला चीज़ कि ये हमें पास्ट टाइम के बारे में बताती है, लोगों की ज़िंदगी कैसी थी वो बताती है। दूसरा, यह हमें वो अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है कि उस टाइम के लोगों की कल्चर और लाइफ स्टाइल क्या थी। तीसरा फायदा ये है कि आज के ज़माने में हम प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में अगर मान लिया कि हमारे पास कोई सिचुएशन आ गई, लाइक सपोज बैटल हो गया किसी के साथ हमारा, या फिर किसी से कहीं वॉर हो गया, कहीं क्राइसिस आ गई, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ये क्या एक पैंडेमिक है, तो पास्ट में बहुत सारे पैंडेमिक्स हैं, तो उस टाइम के पैंडेमिक से कैसे हमने सीख लिया था, कैसे उसको कंट्रोल किया था, तो उस टाइम की जो हमारी जो फाइंडिंग्स थे उसका इस्तेमाल हम आज में कर सकते हैं। तो आजकल की जो प्रॉब्लम्स है, प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम्स, उसके सोल्यूशन में भी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है, यानी हिस्ट्री से हमारे पास फायदे तीन, समझ गए। हिस्ट्री की टाइम फ्रेमिंग कैसे की जाती है? टाइम फ्रेमिंग, एक व्यक्ति थे उनका नाम था जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म की स्थापना की थी, उनका जो जन्म हुआ था उस जन्म वर्ष को मानते थे। अगर मान लिया जाए 0 है, ठीक है ना, 0 जन्म है, मान लो 2020 चल रहा है, अभी तो 2020 चल रहा है, तो जीसस क्राइस्ट को मान लिया कि 0, तो अगर 1 कंसीडर करें तो एक से पहले, इसके बिफोर में जितना टाइम था उसको बोलते थे बीसी, बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और इसके टाइम, इसके बाद में जो समय चल आ रहा है, जैसे 1 2 3 2020 ऐसे करते करते आ गया, इसको बोलते हैं ईडी। ईडी का मतलब होता है एनो डामिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय का, वो समय जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का था, और ईडी का मतलब वो समय जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का है। तो जो 2020 है, इसको हम बोल सकते हैं कि है क्या, है
ये है एडी। एडी इसलिए क्योंकि 2020 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट। सेंचुरी समझते हो? सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल का पीरियड, जिससे 1 घंटे में 60 मिनट होता है। वैसे सेंचुरी में जब नाम लिया जाएगा, जैसे फिफ्थ सेंचुरी में बोलूँगा, तो फिफ्थ सेंचुरी का मतलब हो गया 400 से लेके 449 तक का जो टाइम पीरियड होगा 100 साल का, इसको बोलेंगे फिफ्थ सेंचुरी है। ऐसे बोलूँ अगर सिक्स सेंचुरी, सिक्स सेंचुरी का मतलब 500 से लेके 529 तक का जो 99 तक का जो समय, उसको बोल देंगे। जो भी टाइम लाइन होती है हिस्ट्री को, इसको तीन स्टेज में बांट देता है। प्रिस्टियन हिस्ट्री से भी बहुत पहले का टाइम, उसके बाद प्रो हिस्ट्री पार्ट है, उसका हिस्ट्री पार्ट है, एविडेंस के आधार पे कि जिसका जिस टाइप से एविडेंस मिला उसके नाम पे उसका नामकरण कर दिया। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम के लोग पुराने जमाने में एंशियंट टाइम के, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 10,000 15,000 15,000 साल लोग पहले लोग रहते कहाँ थे? आज तो सबके पास खुद का घर है, जिसके पास घर नहीं वो टेंट रह लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई एडजस्ट कर लेता है, खाते पीते हैं। तो पुराने जमाने के जो लोग थे वो रहते कहाँ थे, खाते क्या थे, ये सब सारी चीज़ें पार्ट होती है एंशियंट हिस्ट्री का। तो जो पुराने जमाने के लोग थे वो रहते थे नदियों के किनारे। क्यों नदियों के किनारे? कि नदी में होती है पानी, तो पानी डिफरेंट टाइप के जो हमारे यूजेज हैं, हमारे पास जो जितनी भी पर्पजेज है, वो पर्पजेज हमारे उस पानी से कंप्लीट हो जाते थे। जैसे हमको प्यास लगी तो हम पानी पी सकते थे उस जमाने के लोग, और खाना बनाना हो गया तो पानी चाहिए था, नहाना हो गया तो पानी जरूरत थी, जितनी सारी चीज़ें हैं। अगर उनको खेती भी करनी होती थी तो रिवर के पानी का इस्तेमाल करके वो खेती कर सकते थे। नर्मदा नदी है, इंडिया हमारा जो कंट्री है, इंडिया के बीचों बीच में पर्वत है, माउंटेन है, जिसको बोलते हैं विंध्यन माउंटेन। तो विंध्यन माउंटेन के साउथ में नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। ऐसा वहाँ पे कुछ एविडेंस मिला है कि वहाँ हजारों सालों पहले जो है लोग जो है वहाँ नर्मदा नदी के किनारे में रहते थे। कुछ जिंदगी की, जैसे कि लोगों के जब मर जाते हैं ना, तो उनकी जो कंकाल तंत्र स्केलेटन होती है, तो उनके जो फॉसिल्स है उनको कुछ जगहों पे मिली थी। इंडिया के वेस्ट साइड में दो कंट्री है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे दो पर्वत है, उनका नाम है सुलेमान और किरथाली। तो वहाँ पे कुछ जो हिस्टोरियंस है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको वहाँ पे कुछ बोन्स मिले थे, फॉसिल्स मिले थे। तो ये पता लगा कि वहाँ पे हजारों साल पहले वहाँ जिंदगी मौजूद थी, वहाँ पे लाइफ में। ऐसे ही जो हमारा गंगा नदी है, गंगा नदी पता ही होगा, यूपी बिहार उत्तराखंड वेस्ट बंगाल झारखंड से होते हुए जाके भी अब बंगाल में मिल जाती है। तो गंगा नदी के किनारे भी बहुत सारे उस टाइम के शहर बने हुए थे, जिनको बोलते थे महाजनपद। जैसे आज सिटी है, जिले बनाए गए, उस टाइम के जो शहर होते थे तो उनको महाजनपद बोलते थे। तो उसमें कुछ फेमस नाम थे, जैसे मगध, बिहार जो है ना आज का, उसको मगध बोलते थे उस टाइम। काशी बनारस का नाम था, वज्जी जो है वैशाली का नाम था। ऐसे जो है 2500 साल पहले, जब 2500 साल की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग लेते हैं कहाँ से, सन 2000 से। तो सन 2000 से कितना, सन 2000 ईस्वी से समय हमने काउंट किया, उसके 2500 साल पहले, सबट्रैक्ट कर देनी 500 BC में, ये जो गंगा नदी के किनारे जो है लोग बसना शुरू हो गए थे। हिमालयन जो माउंटेन है हमारे जो नॉर्थ में पड़ती है, वो एशिया को क्या करती है, इंडिया से अलग करती थी। और ये आज से नहीं है, बहुत समय से जो है, प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से, ये जो हिमालयन रिवर थी नेचुरल बैरियर का काम करती है, जो इंडिया और सेंट्रल एशिया को क्या करती है, अलग करती है। लोग खाते क्या थे? लोग देखो दो चीजें खाते थे। पहला, वो खाने में इस्तेमाल करते थे फॉरेस्ट फूड, क्योंकि नदी के किनारे रहते थे, नदी किनारे पेड़ पौधे हो गए, तो फॉरेस्ट जितनी चीजें मिलती थी, जैसे फ्रूट्स हो गया, रूट्स हो गया, वो खाते थे। या जो जंगल में जानवर रहते थे उनकी हंटिंग करते थे, तो चूंकि हंटिंग करते थे और फूड को गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे, इसलिए इनको बोलते थे हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, कैसे पता चला? 8,000 साल पहले, जो अभी मैंने बताया ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे जो दो पर्वत थे, सुलेमान और किरथाल, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब कि जो जमीन की खुदाई करके हिस्ट्री का पता लगाते हैं, उनको दो क्रॉप्स को उगाने का उनको एविडेंस मिला था। वो क्या था? हीट और बार्ली मिला था। 8,000 साल पहले की बात है, वहाँ पे मिला था। सेम तरीके में गारो खासी जयंती या पहाड़ी है मेघालय में, त्रिपुरा वाली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, जिसको सेवन सिस्टर स्टेट बोलते हैं, तो आप गारो खासी जयंतिया में अकेले गारो, तो गारो हिल्स में जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, फिर से इंडिया का जो सेंट्रल पोर्शन है जहाँ मध्य प्रदेश है, वो मैंने बताया विंध्य रेंज है सेंट्रल इंडिया में,
यहाँ पर राइस प्रोडक्शन हुआ था। क्या चीज? राइस प्रोडक्शन। सबसे पहले चावल अगर पूछा जाए इंडिया में कहाँ उगाया गया था, तब का जवाब कहाँ होगा कि गारो हिल्स में और नर्मदा जो वैली है या फिर विंध्य रेंज के साउथ में उगाया गया था। सिटीज का डेवलपमेंट कर, पहले तो लोग हमने देखा कि वो नदियों किनारे रहते थे, धीरे धीरे लोगों का डेवलपमेंट होता गया, लोग जो है हंटिंग गैदरिंग छोड़ करके फार्मिंग करने लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। अब लोगों के पास थोड़ी सी बुद्धि डेवलपमेंट हुई तो वो क्या करने लगे, सिटीज एंड सिटी जो एग्जिस्टेंस में आ गई। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक रिवर बहती है, उसका नाम है इंडस, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, पांच नदियाँ हैं, सिंधु झेलम चेनाब रावी सतलज ब्यास, ये पांच नदियाँ हैं जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी रिवर, इनके चारों तरफ जो है कुछ सिटी बने थे। तो अर्लीस्ट सिटी पूरे इंडिया में यहाँ बने, जिसको बोलते हैं हड़प्पा सिटी है, मोहनजोदड़ो सिटी है, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कुछ जो है सिटी डेवलप हुए, जैसे गंगा जो नदी है, गंगा नदी जो अभी मैंने बताया कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस वाले इलाके में, उसकी जो सहायक नदी है जैसे सोन चंबल यमुना निमर्स, यहाँ पे भी लोग जो है बसना शुरू हो गया। यानी पहले इंडिया के वेस्टर्न साइड में सिटी डेवलपमेंट शुरू हुई, और उसके धीरे बाद धीरे धीरे वो ईस्ट साइड में बढ़ते गए, जंगलों को काटते गए, घर बना के रहने लगे। उसके बाद में कुछ सिटी जो है जैसे गंगा के साउथ रिवर में बनाई गई, जैसे, और जो सिटी बनती थी उस टाइम उनको बोलते थे महाजनपद। उस जमाने में सोलह महाजनपद बहुत ज़्यादा फेमस थे, और उन सोलह महाजनपदों में जो सबसे फेमस और सबसे पावरफुल था उसका नाम था मगध। आप जो आप यूपी देखते हो ना, यूपी सॉरी, ये जो बिहार है, तो बिहार में जो पटना, उसका नाम था उस टाइम का पाटलिपुत्रा, वो इस मगध जो महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े राजा, जिनके बारे में आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़े होंगे, वो इनकी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे।